2 मिनट के लिए आँख बंद कर भीतर के वैभव को जानने का प्रयास करें। बाहर के वैभव के लिए तो सारा जीवन लगा दिया, सारा जीवन नौछवार कर दिया, पर मेरे भीतर ही सुख का और वैभव का खजाना है। उस खजाने से अनजान होकर मैं बाहर के खजाने को पाने के लिए अपना जीवन गंवा रहा हूँ। आँख बंद कर चिंतन करें। आनंद स्रोत बहरा और तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा और तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। मेरे भीतर आनंद का खजाना है और मैं बाहर से सुख पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कितना गलत मेरा आचरण है। ज्ञान कहते हैं, उठ ज्ञान चक्षु को खोल के तू देख तो जरा, तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है, जिसकी तुझे तलाश है वह तेरे पास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल ले आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए नर जन्म का ये लक्षणा, नर जन्म का ये लक्षणा केवल विलास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। कितने अचरज की बात है कि मैं स्वयं पूर्ण होकर भी बाहर से कुछ पाने के लिए लालयित रहता हूँ और बाहर से कुछ मिलता नहीं, और बाहर की बाहर में मैं बाहर हो जाता हूँ। अब इस बाहर की बाहर से भीतर की बाहर में आने का प्रयास मैं करूँ। गाजे पंचम काड़मा भविष्य भव्यात्मने तारवा, मिथ्या मोह अंधकार हणवा, सन्मार्ग संस्थाप वर्ते छे जयवंत अंत करवा, संसार ना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति, श्री त्रिशलानंदन श्री वीर जिनंदन। चरम तिरुपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिश वंदन। जन से जन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारों ही दादा उद्यम के चरणों में कोटिश वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परमकारी गुरु भगवान तत्व के ऊर्जापुर से चरणों में आत्मभावी वंदना। समुपस्थित समाज में गुरु भगवान उपस्थित हो गए। चातुर्मास का स्वर्णिम काल यानी सावन और भादव, इस सावन और भादव काल में दो ही काम करने होते हैं। सावन का महीना संदेश लेकर आता है कि हम खूब श्रवण करें, और भाद्रपद का महीना संदेश लेकर आता है कि हम भद्र परिणामी बन जाए, जो श्रवण किया है उसको जीवन में उतार ले और अपने जीवन को
बांसुरी की समुद्र स्वर के समान आनंददायी बना ले। यह संदेश लेकर यह चातुर्मास आया है। उस चातुर्मास में परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी उत्तरार्ध सत्र के माध्यम से हम सभी 18 पापस्थानकों को जान रहे हैं। उसके अंतर्गत परिग्रह का हमने सुंदर विश्लेषण सुना। विश्लेषण तो हमने सुना, पर जीवन का विश्लेषण हम कब करेंगे? और जब जीवन में उसका विश्लेषण करेंगे और उस परिग्रह के पाप से अपने आत्मा का संबंध विच्छेद करेंगे, तब वास्तव में शांति और सुकून मिलेगा। क्योंकि सुख हमारे भीतर में भरा हुआ है और हम बाहर में ढूंढ रहे हैं। जैसे जल में रहकर मछली प्यासी रह जाती है, वैसे हम भी अपने भीतर के आनंद को न पाने के कारण दुखी दुखी और दुखी हो जाते हैं। संतप्त हृदय होकर संसार में दुख पाते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि संसार में रहकर ही हम भी सुखी हुए हैं, तो आप भी सुखी हो सकते हो। ज्ञानी जन बार बार यही बताते हैं कि सुख का सोर्स, सुख का उद्गम स्थल हमारी आत्मा है। उस आत्मा को यदि जान लेंगे तो सारा संसार और सारे संसार के पुद्गल पदार्थ फीके लगेंगे। जिससे एक बार अच्छा कोई सुंदर डिश चख ली है तो उसे बाहर की चीज अच्छी लगी, आप क्या कहोगे? जिससे सूर्य का स्वाद चख लिया है तो गेहूं की रोटी मजा नहीं देगी, ऐसा है? तो जिससे आत्मिक सुख वैभव को जान लिया उसे संसार के सारे सुख कैसे लगेंगे? एकदम फीके लगेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या प्रयास करते हैं कि यहाँ सुख नहीं मिला तो वहाँ जाके सुख मिलेगा। बाड़मेर में नहीं मिला तो हम सूरत चले जाएंगे, सूरत में नहीं मिला तो अहमदाबाद चले जाएंगे, अहमदाबाद नहीं मिला तो अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन सुख तो बाहर भागने से नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख हमारे भीतर है। हम चाहे अहमदाबाद या अमेरिका चले जाए, लेकिन सुख तो भीतर से ही आएगा। लेकिन आधा जीव ये सोचता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा, दौड़ लगाता रहता है। ऐसी गुणसेन राजा कहाँ की दौड़ लगा रहे हैं? स्थिति प्रतिष्ठित नगर में आनंद नहीं आ रहा है तो कहाँ चलूँ? अपनी दूसरी राजधानी चलूँ। क्या नाम था उस दूसरी राजधानी का? बसंतपुर। बसंत जैसा खिलता है ना, वैसे वो खिला हुआ बसंतपुर था। उस बसंत में बसंत का आनंद लेने बसंतपुर जाने का निर्णय गुणसेन ने किया और मंत्री ने सारी व्यवस्था कर दी। राजा साहब का भव्य स्वागत हो गया, सभी ने राजा को बधाया, राजसभा जुड़ी। उस राजसभा में भी आनंद प्रमोद में प्रहर के प्रहर बीत गए और सबको ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई थी और अभी कैसे पूर्ण हो गया। जी हाँ, सुख के समय हमको भ्रांति होती कि जल्दी प्रसार हो गया, पर समय तो अपनी गति से ही प्रवाहमान होता है। पर ऐसा लगता है सुख के क्षण जल्दी बीत गए और दुख के क्षण कितने भारी लगते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण हमें कचोटता है, एक एक क्षण भारी लगता है और सुख के क्षण फुर हो जाते हैं, तुरंत बीत जाते हैं। एक फिल्म देखने बैठते हैं, एक प्रहर बीत जाता है। एक प्रहर यानी सामान्यतः 3 घंटे का समय। एक फिल्म देखने में 3 घंटे यानी एक प्रहर बीत जाता है, पर बोरिंग नहीं होती, नज़र हटती नहीं। स्क्रीन पर नज़र टिकी होती है कि एक सीन भी मेरी आंखों से उजल न हो जाए। कितनी बारीकी से, कितनी सूक्ष्मता से हम वो दृश्य देखते हैं, कितना आनंद आता है उसमें। पर ये दुख के कोई क्षण हो, वास्तव में तो सुख के क्षण है, पर हम दुख के क्षण मान लेते हैं। समय करना हो और कोई बोले देशावासिक ले लो, 3 समय की देशावासिक आएगी। फिल्म तो 3 घंटे की है, देशावासिक 2 घंटे 24 मिनट की होती है, यानी 3 समय का कार। और उसमें कितनी बार नज़र वॉल क्लॉक पर जाती है, कितनी बार नज़र रिस्ट वॉच पर जाती है, क्या लगता है उस समय? जैसे ही प्रतिकोण पूरा होता है या देशावासी पूरा होता है, हम क्या बोलते हैं जोर से? आज के आनंद की। आनंद किसका? सामयिक का आनंद आया या छुट्टी मिल रही उसका आनंद आया? हम समझ ही नहीं पाते। अगर छुट्टी मिलने का आनंद आ रहा है तो दुख के क्षण थे, और यदि
उस आराधना का आनंद आ रहा है तो सुख के क्षण थे। वास्तव में आत्मिक आनंद आया हो तो छोड़ते समय दुख होगा कि कैसे जाऊं मैं। इस समता के बाग से संसार की आग में कैसे जाऊं। एक साधक थे इंदौर में, बड़े गुरु भगवान बताते उनके बारे में। जब भी वो पोषण करते और पोषण पार कर जब जाने का अवसर आता तो जार जार रोते हो, दुख होता कि मुझे संसार में जाना पड़ रहा है, गए बिगर काम सरेगा नहीं और यहाँ पर रहने से काम बनेगा नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन उस पाप में संसार में जाने के लिए आंखों से आंसू आते कि मुझे जाना पड़ेगा इस संयम की भूमि को छोड़कर, इस समता की भूमि को छोड़कर विषमता भरे संसार में जाना पड़ेगा, दुख होता पीड़ा होती। और ऐसे साधक भी वहाँ पर इंदौर में हुए कि हर तिथि को यानी 10 तिथि को पोषण करना और अंत समय भी उपाश्रम हुआ उनका, पोषण के अंदर प्रयाण हुआ। ऐसे साधक भी जिनको आनंद लगता है, पर कई बार हमको बोझिल लगता है, हमको समय पास करना पड़ता है, लेकिन वो आनंद के क्षण होते हैं जहाँ पर हम आत्ममिलन करते हैं, सामूहिक आत्ममिलन का क्षण होता है। वो आत्ममिलन का क्षण हमको आनंद लगना चाहिए पर वो आनंद नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि परिग्रह की आसक्ति इतनी है, जो छोड़कर आए उसे पाने के लिए वापस जाना है और उसे पाने के लिए जाने के लिए उधड़बुन यहीं से चालू हो जाती है। 48 मिनट पूरे हुए नहीं हुए आसन लपेटना चालू हो जाता है, बैग में डालना चालू हो जाता है और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि परिग्रह का राग अंदर बसा हुआ है। मेरा परिग्रह छूट ना जाए, कोई उसमें बाधा ना आ जाए, इसलिए कितना राग रहता है उस परिग्रह से। गुणसेन राजा भी आनंद मनाते हुए पूरा 3 घंटे का समय पसार हो गया, यात्रा की थकान थी, थकान दूर करने विश्राम करने चले गए और पहले मंत्री को आदेश दे दिया कि सुबह मुझे वन क्रीड़ा के लिए जाना है, अश्व तैयार रखना। रात्रि पसार हुई, स्वर्णिम प्रभात हुई, उस प्रभात में राजा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं और अच्छे अच्छे अश्वों को लेकर अश्वों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वन प्रदेश में जाने के लिए उत्सुक होते हैं। सहस्रार वन हजार आम से विस्तृत ऐसा एक सहस्रार वन था नगर के पास ही, वहाँ पर जाते हैं और जाकर अश्वों के साथ कुछ समय क्रीड़ा करते हैं, वन की शोभा को देखते हैं और विश्राम करने के लिए थोड़ी देर बैठते हैं एक लता मंडप में, और वहाँ पर दो सुकुमार तापस कुमारों का आना होता है। वे आकर राजा से कुशल क्षेम पूछते हैं और अपने कुलपति आर्य कौंडिन्य का संदेश देते हैं कि राजन आप यहाँ तक आए हो, यहाँ से करीब में ही हमारा तपोवन है जिसका नाम है सुपरितोष तपोवन। उस तपोवन में आर्य कौंडिन्य के सानिध्य में कई साधक साधनारत है, उनकी साधना को देखने, उनकी साधना की ऊर्जा को पाने आप अवश्य पधारे, उस तपोवन को पावन करें। राजा उनकी बात सुनकर आनंदित हो जाते हैं और तपोवन की ओर उनके कदम बढ़ते हैं। तपोवन का शांत सुरम्य वातावरण उनके मन को भा जाता है, कितना सुंदर वातावरण है, कितनी शांति है यहाँ पर। हम भी जब संसार के उपक्रमों से हटकर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं हमको क्या अनुभूति होती है, कितना शांत है। शांत को परिसर तो है ही, पर वास्तव में आपाधापी से निकल कर जब हम शांति के स्थानों पर जाते हैं, ऐसी परमात्मा ऊर्जा से भरपूर स्थानों पर जाते हैं, वहाँ के परमाणु हमारे शरीर से टकराते हैं और सारी थकान दूर हो जाती है और हमको लगता है यहाँ पर कितनी शांति है। वो शांति भीतर से ही आ रही है, जब बाहर की दुनिया में होते हैं तो बाहर की दुनिया में अशांति होती है और जब बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, ऐसे ऊर्जापूर्ण स्थानों में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें शांति अपने आप मिल जाती है। राजा को भी शांति का अनुभव हो रहा है, उस शांति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए आर्य कौंडिन्य से मुलाकात होती है। उनका भव्य दिव्य रूप देखकर ठगे से रह जाते हैं, कितनी शांति इनके चेहरे पर है, कितनी सौम्य इनकी मुखाकृति है, कैसी इनकी जबरदस्त साधना चल रही है।
उन्हें वंदन कर उनके सानिध्य में बैठते हैं और सानिध्य में बैठकर उनसे कुशल पूछा करते हैं। और वह आर्य कौड़ी ने भी उन्हें बताते हैं कि राजन, आपके सुशासन में हमारी आराधना सुव्यवस्थित चल रही है, देवगुरु की कृपा हम पर बरस रही है और आपका सुशासन हमें साधना में सहाय कर रहा है। उनसे वो पूछते हैं कि महात्मन, मेरे माता पिता ने भी अरण्यवास स्वीकार किया है, मैं उनके पास यदा कदा जाता रहता हूँ, यहाँ पर आकर उस तपोवन की मुझे याद आ रही है, मेरे माता पिता भी सुंदर वहाँ पर आराधना कर रहे हैं। तब आर्य कौड़ी ने कहते हैं कि राजन, जीवन में शांति पाना हो तो जरूर जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे तपोवन में आकर साधना करनी चाहिए। तीन आश्रम जब पूरे हो जाए उस समय संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। पर वो गुणसेन कहता है कि महात्मन, आसक्ति टूटती नहीं, इच्छाएं कम होती नहीं, क्या संसार में रहते हुए भी हम धर्म आराधना कर सकते हैं? वो तापस कहते हैं कि हाँ, संसार में रहकर भी आराधना कर सकते हो, लेकिन संसार के इतने सारे प्रपंच हैं कि आप पूर्णतया सजग होकर अपनी साधना नहीं कर पाओगे, इसलिए इस उपवन में आकर, इस तपोवन में आकर ही विशेष रूप से साधना हो सकती है। शावक जीवन में घर में रहकर आराधना पार्शली हो सकती है, पार्टली हो सकती है, पर फुल्ली आराधना तो कहाँ होगी? संयम के उपवन में। पर वो गुणसेन कहते हैं कि महात्मन, इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लूँ, उन इच्छाओं पर नियंत्रण पा लूँ। आत्म साधना की भावना तो होती है, लेकिन संसार से मोह छूटता नहीं, वो कैसे छूटेगा? वो सन्यासी कहते हैं कि राजन, भगवत कृपा से आपकी मनोभिलाषा जरूर पूर्ण होगी, आप प्रयास करते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वह राजा उनके इन पावन वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महात्मन, आप सारे तापसों के साथ राजमहल में पधार कर मुझे आहार दान का लाभ दे, मुझे आतिथ्य सत्कार का अवसर प्रदान करें। तो वे महात्मा कहते हैं कि राजन, एक महातपस्वी हमारे तपोवन में है, उसकी ऐसी दीर्घ तपस्या चल रही है, उसे छोड़कर हम बाकी आने का भाव रखते हैं, पर जैसा उस समय का योग होगा वैसा हम कर लेंगे। तो जैसे वो सुनता है कि महातपस्वी है, वो पूछता है कि महातपस्वी कौन है, ऐसे कौन से महातपस्वी आपके तपोवन में है, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और वो दर्शन करने के लिए उस आम वृक्ष के पास पहुँचते हैं और उनके दर्शन करते महातपस्वी के। महातपस्वी ध्यानस्थ है, पद्मासनस्थ है, शांत प्रशांत चित्तस्थ है। उनकी शांति को देखकर और ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं और वे महात्मा भी अपना ध्यान जैसे पूर्ण होता है उस राजा की ओर देखते हैं। दोनों एक में को देख रहे हैं लेकिन दोनों एक में को पहचान नहीं रहे, क्योंकि वर्षों की धूल उस स्मृति पर बिछ गई है, दोनों पहचान नहीं पा रहे हैं। और राजा गुणसेन से प्रश्न पूछते हैं कि महात्मन, आपने ये दीर्घ तपस्या प्रारंभ की, टाइम इज ओवर, आपने दीर्घ तपस्या प्रारंभ की, आपने संन्यास लिया, उसके पीछे क्या कारण बना, कौन से ऐसे आपको निमित्त मिले जिन निमित्तों के कारण आपको यह संन्यास लेना पड़ा और तपस्या कर रहे हो? अब वो क्या जवाब देते हैं, उस जवाब से राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है और दोनों के जीवन में क्या नया मोड़ आता है, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा? वेट एंड वॉच, इंतजार करें। जिनागर कुछ कहा तो मुझे मतलब सहजान विनाश आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो नहीं मर दो आत्मस्वरूपी सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी हो अविनाश आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो नहीं मर दो
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी देह मरे छे हूँ नथी मरतो हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी बोले आदिनाथ भगवान की पांच राज्य सहित आत्मा को धर्म में बहुत समझना।